हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग पे। ओके, तो आज हम कुछ नया नहीं जानने वाले। मे बी इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मैप के बारे में, मैप में फंक्शन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जो लिस्ट ड्रॉअर में मिलता है हमें, वो मैप फंक्शन नहीं। मैप हमारे एक तरह का डेटा टाइप है जो हमारा जीआईएस प्रोवाइड करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली इतना पॉपुलर नहीं है, बट क्या मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में बहुत ही बार पूछा जाता है मैप के बारे में, मैप और सेट के बारे में, या तो उसके बारे में आज जानेंगे। तो उसको बारे में जानने से पहले मीन्स उससे जानने के लिए हम लेट्स यूज करेंगे क्वेश्चन। तो बेसिकली आई एम यूजिंग दिस, मैं यूज कर रहा हूँ ये 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, एक बहुत ही अच्छा रिपोजिटरी है, आप कभी चेकआउट कर लेना। तो क्वेश्चन में यहाँ पे है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन कंट्रीज ऑब्जेक्ट फाइल। तो ये मैप और सेट का एक प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन है और हमें इस तरह से आउटपुट चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको शो करता हूँ कि ये कंट्रीज ऑब्जेक्ट कैसा है। कंट्रीज ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा इसी लिंक में। तो ये कंट्रीज है, इसमें करीब कंट्रीज का डिटेल है, लाइक नेम, कैपिटल, लैंग्वेजेस और फ्लैग। तो हमें चाहिए क्या, हमें करना क्या है, हमें काउंट करना है कि जैसे पॉज तो है, तो पॉज तो है वो कितने कंट्रीज में स्पीक किया जाता है, कितने कंट्रीज में जो उज़्बेक है या तुर्क में से या इंग्लिश से वो बोला जाता है, वो हमें काउंट करना है इस कंट्री से। तो ये है क्वेश्चन। तो या तो लेट्स लेट मी एक्सप्लेन। मैं ऑलरेडी से राइट कर चुका हूँ, तो मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक लैंग्वेज लिस्ट को डिक्लेयर किया, और उस लिस्ट में मैं सारे के सारे, मतलब जो पूरे कंट्रीज है, उन कंट्रीज के सारे लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट करूंगा और उस लैंग्वेज लिस्ट में पुट कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कंट्रीज फॉरिच फॉरिच लैंग्वेजेस में, एक बार मैं फॉरिच रन कर रहा हूँ और मैं पुश कर रहा हूँ। हर एक एलिमेंट का, मतलब यहाँ पे लाइक इसका लैंग्वेज पुश हो जाएगा, फिर इसका 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 ऐसे करते करते जो लास्ट एलिमेंट है उसका लैंग्वेज तक पुश हो जाएगा। ओके, जिसमें कि रिपीटेड भी है, तो हमें रिपीटेड नहीं चाहिए, वो बाद में देखेंगे। तो ये एक्चुअली में इस एरे में क्या स्टोर हुआ, हमारा पहला ऑल द लैंग्वेजेस स्टोर हुआ, हाँ रिडंडेंट है। सेकेंड, कितनी बार वो लैंग्वेज रिपीट हुआ है इंडिकेट कर रहा है कि वो लैंग्वेज कितनी दफ़ा कंट्री में स्पीक किया जाता है। सिंपल, यहाँ तक काम हो गया। फिर अब हमें, फिर मैंने इसे न्यू सेट डिक्लेयर किया, सेट लैंग्वेज उसके ऊपर लिस्ट पास करने से। सो सेट का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, रिपीटेटिव वैल्यू नहीं। तो इससे हमें क्या होगा, जो हमारा जो एस है वो यूनिक हो जाएगा। यूनिक मतलब सिर्फ वही लैंग्वेज, सिर्फ ओनली डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्टोर रहेंगे एस। फिर नेक्स्ट हमने मैप डिक्लेयर किया, एक न्यू मैप। फिर हम एस को इटरेट कर रहे हैं, सी ऑफ एस, मतलब हर एक लैंग्वेज में इटरेट कर रहे हैं। और फिर लैंग्वेज में हम काउंट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सपोज एक एक लैंग्वेज आया, पहला लैंग्वेज जो था वो सपोज पोर्टुगीज था, तो पोर्टुगीज लेट नंबर 0 हुआ, लैंग्वेज जो हमारा लिस्ट उसमें इटरेट होगा, और सर्च कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ नंबर को इंक्रीज करो। तो बेसिकली काउंट कर रहे हैं कि पोर्टुगीज कितनी बार उस लिस्ट में है। सिंपल, काउंट करने के बाद फिर हम लोगों ने मैप डॉट सेट लैंग्वेज, फिर कितना बार वो लैंग्वेज आया उसे सेट करके मैप में पुश करते जा रहे हैं। सिंपल, तो यहाँ तक हमारा मैप भी रेडी है। तो मैप में हमारा सारा लैंग्वेज स्टोर हो चुका है। अब बात आती है यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क की। तो चैलेंजिंग टास्क मैं डिस्कस करता हूँ, लेट मी शो यू दैट। तो अगर मैं अभी यहाँ पे शो करूँ, कंसोल डॉट लॉग मैप, और फिर मैं से रन करता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा आ गया, तो हमारा ये मैप आ गया जिसमें कि ये लैंग्वेज कितनी बार स्पोक किया गया, कितने कंट्रीज में, वो हमारा बता रहा है। जैसे कि फर्स्ट तो सिर्फ एक ही कंट्री में स्पीक किया जाता है, उज़्बेक 2 कंट्री में स्पीक किया जाता है, ये हमारा डिटेल्स आ गया। लेकिन क्वेश्चन हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि हमें बताओ टॉप 10 लैंग्वेजेस को स्पोक किए जाते हैं, स्पीक मतलब बोला जाता है लोगों के द्वारा, टॉप 10 या टॉप 20, कुछ भी बताओ, ये हमें करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मैप को सॉर्ट,
तो गाइस लिस्ट सॉर्ट के पास हमारे पास फंक्शन है, बट मैं आपके पास नहीं है। तो मैप सॉर्ट करने का तरीका भी बताता हूँ। लेट्स सॉर्ट दिस मैप, यहाँ पे लिखता हूँ सॉर्टिंग ऑफ मैप। ओके तो मैप को सॉर्ट करने का सिंपल सा फंडा है, लेट्स कॉन्स्टेंट सॉर्टेड मैप। उसके बाद जो लिस्ट है हमारा एल दिखा, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, और नॉट लिस्ट, हमारा जो डेटा है वो हमारा एस में स्टोर है, हमारा एस में, सॉरी एस में स्टोर है, हमारा मैप में स्टोर है, मैप को स्टोर। सबसे पहले हम लोगों ने ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके मैप को कन्वर्ट किया लिस्ट में, क्योंकि हमारा लिस्ट के पास सॉर्ट है। आप सॉर्ट हेल्प तो लिख सकते हो, बट ओके, सॉर्ट हमारा दो वर्गमेंट लेता है। तो अगर आपने सॉर्ट वीडियो नहीं देखा है, मेरे सॉर्ट वर्गमेंट वीडियो बनाया हो तो आप जाके सॉर्ट देखो, आपको समझ में आएगा सॉर्ट आगे काम कैसे करता है। ये सिंपल पाइथन को सॉर्ट नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट को सॉर्ट अलग काम करता है, भाई देख लेना जाके। ओके तो काम करते हैं कि वैल्यू लेगा एक कॉमा टू, ए पहला एलिमेंट मतलब इंडेक्स 0, बी सेकेंड एलिमेंट, दोनों को कंपेयर करेगा, करने का काम करना है तो हमें। ओके कॉल बैक फंक्शन में पहला ए एलिमेंट गया, दूसरा एलिमेंट भी चल गया। अब हमें सॉर्ट कैसे करना है, हमें अभी चेक करना है कि ए बी से बड़ा है तो सॉर्टिंग नहीं होगा, और बी अगर नहीं है तो सॉर्ट होगा। ओके तो हम बी ऑफ वन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये लिस्ट है उसमें हमारे लिस्ट आए, तो उसमें से पहला 0 में हमारा जो कंट्री का नेम है, और 1 में हमारा वैल्यू है। ये भी आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा, यहाँ पे शो कर रहा हूँ। क्या तो देख सकते हैं आप।